ए वाली पिंकी और इनके बगल में रिंकी। आज इन दोनों बच्चों के घर के सामने कौन आया हुआ है? अरे ये क्या, कोई सुंदर सी औरत आई हुई है और अपने छोटे वाले बेटे के साथ में आई हुई है। ये बड़ी सी औरत कौन है? बड़ी सी औरत रिंकी की मासी है। चलो बच्चे, यहाँ से तुम चलो और अपने मासी जी की मुलाकात करो। चलो धीरे धीरे, बोलो बोलो नमस्ते। और अब रिंकी की बारी। रिंकी बेटा, तुम भी आगे आओ और आशीर्वाद ले ओ। आज इन दोनों बच्चों के लिए इनकी प्यारी सी मासी क्या लेकर आई है, चलो इसका पता लगाते हैं। अरे ये क्या, ये तो संतरा और अंगूर लेकर आई है। इस पिंकी के लिए संतरा और रिंकी के लिए अंगूर लाई हुई है। मासी जी का लड़का तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। चलो पिंकी और रिंकी अपने भाई से खेलो। आज पिंकी और रिंकी के मम्मी यहाँ पे पकवान बना रही है इनके मासी जी के लिए। इनके लिए पकवान में क्या बन रहा है, चलो पता लगाते हैं। अरे ये क्या, ये तो दाल और चावल है, लेकिन ये तो बहुत थोड़ी सी है। चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं और किसी से मांग कर लेकर आते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो एक दो तीन छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और इनके घर के सामने थोड़ा सा दाल और चावल रखा हुआ है। चलो ये दाल और चावल को इनसे मांग कर लेकर चलते हैं। दाल और चावल आ गया है, चलो मासी जी के लिए पकवान शुरू करो। चलो यहाँ से चलते हैं आगे की कहानी में। अरे ये क्या है, तो कोई बड़ी सी लड़की और दो छोटे लड़कियाँ आए हुई है। ये लोग सीढ़ी के रास्ते जाकर ऊपर बैठे हुए हैं और इनके पास मेकअप करने वाला सामान आया हुआ है। खोल के देखते हैं, अरे ये तो पेंट है और इसको इन दोनों को लगा देते हैं। चलो इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ की कहानी देखने में अच्छा लगा, चलो यहाँ से चलते हैं आगे की कहानी में। घर के नीचे तीन छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और इन बच्चों के पास खाने के लिए कुछ रखा हुआ है, चलो पता लगाते हैं। अरे ये तो पॉपकॉर्न, कपकेक और आइसक्रीम आया हुआ है। और घर के सामने ये क्या, दोनों छोटे लड़कियां कार से कहीं जा रहे हैं, चलो पता लगाते हैं। ये तो अपने सहेलियों के घर जा रहे हैं खेलने के लिए। इनके बगल में एक बड़ा वाला गुड्डा आया हुआ है, इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। अरे यहाँ तो बड़ा सा कैरेट रखा हुआ है, चलो इसको गुड्डे को खाने के लिए देते हैं। आज की कहानी देखने में बहुत मज़ा आया, चलो फिर मिलते हैं आगे की कहानी में।